नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इन्फो और दोस्तों इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का विषय शिक्षकों के साथ हो रहे स्कूलों में बुरे बर्ताव को लेकर है। तो चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है आप उसको भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। तो आज का जो हमारा विषय है वो है शिक्षकों के साथ बुरा बर्ताव करना अब बढ़ सकता है महंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। अगर आप किसी बच्चे के अभिभावक हैं या फिर स्कूल के काम में आप ज़्यादा टांग अड़ाते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है कि क्या हो सकता है आपके साथ। ये बहुत ही अच्छी खबर आई है हम शिक्षकों के लिए। स्कूल में समुचित अभिभावक शिक्षक संबंध नहीं होने पर कई तरह की परेशानियाँ होती हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण, हाथापाई और स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की भी घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार के नए कानून के तहत अगर कोई भी बाहरी तत्व स्कूल के शिक्षक से लेकर स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। इसे गैर जमानती अपराध भी बताया जा रहा है। अभिभावकों को नियमित अंतराल पर स्कूल आकर अपने बच्चों के बारे में शिक्षक से फीडबैक ले सकते हैं, लेकिन स्कूल के काम में उनकी कोई दखल अंदाजी नहीं चलेगी। जी हाँ, आप अपने बच्चे के बारे में पूछिए लेकिन किसी और अदर काम में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। शिक्षकों का कहना है कि अपना हित साधने के चक्कर में अभिभावक कई बार अनावश्यक ढंग से शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने पर आतुर हो जाते हैं। ऐसे में शिक्षक अपने आप को कुंठित महसूस करने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर शिक्षक कुछ भी कहते हैं तो उन्हें कई धमकियों के दौर से गुजरना पड़ता है और ये ऐसा कई बार हुआ भी है। बहुत स्कूलों में शिक्षकों को लज्जित भी होना पड़ता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि शिक्षा देना बेकार है। आपको बता दें कि इंस्टीट्यूशन अधिनियम संख्या 14 प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज प्रॉपर्टी एक्ट 2009 भाग 3 के जो तहत है, विद्यालय के स्टाफ से दुर्व्यवहार करने पर, विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर, शिक्षक के काम में बाधा पहुंचाने पर या विद्यालय के किसी भी सदस्य को डराने और धमकाने पर आपको तीन साल की सजा हो सकती है। ऐसे कानून से स्कूलों के काम में सुधार होगा। जी हाँ, बहुत बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि कितने स्कूलों में जब छात्रवृत्ति या पोशाक का वितरण होता है तो अभिभावकों द्वारा बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है, गाली गलौज सब कुछ किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा कानून हम शिक्षकों के लिए पास हुआ है। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।